तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2। इससे पहले हमने 2.1 कंप्लीट करी थी। तो 2.2 में एक्चुअली क्या है कि जैसे आपने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये कल पिछली वीडियोस में आपने देखा था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब भी हम इसको सॉल्व करते थे तो इसके दो आंसर आते थे। दो आंसर मतलब वो जो दो आंसर हैं उनको हम क्या कहते थे, इसके टू जीरोस आएंगे। मतलब एक्स की वो वैल्यूज आएंगी ना जिनको इसमें पुट करेंगे तो आंसर जीरो आएगा। तो वो दो वैल्यूज जो होती हैं उनको जीरोस बोलते हैं। तो हमने क्या कर लिया, लेट टू जीरोस बी, हमने उन जीरोस को नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, अल्फा एंड बीटा। इनको ऐसे बनाते हैं, कुछ नहीं, अल्फा और बीटा देख के बच्चे डर जाते हैं लेकिन होता कुछ नहीं। अल्फा और बीटा सिर्फ एक नाम है। मतलब जो एक्स की दो वैल्यू आई ना, एक्स की मान लो वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 5 और एक्स इज इक्वल टू 3, बाई चांस किसी क्वेश्चन में दो वैल्यू आई 5 और 3, एक्स की दो वैल्यू, तो हमने मान लिया एक को अल्फा एक को मान लिया बीटा, बस उनको दो नाम दे दिए हमने। तो बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है, इस एक्सरसाइज में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ फॉर्मूले हैं, दो फॉर्मूले। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब ये तुम कहोगे ए बी सी ये क्या चीज़ है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ये जो हमने इक्वेशन देखी, इसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट होता है वो क्या होता है, ए, वेयर ए इज कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या होता था, कोफिशेंट मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है यहाँ पे, ए। एक्स के साथ क्या आ रहा है, बी। तो बी क्या होता है, कोफिशेंट ऑफ एक्स। और ये सी क्या होता है, ये होता है कॉन्स्टेंट। क्या होता है सी, कॉन्स्टेंट होता है सी। जैसे कि एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोई भी इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, जनरल इक्वेशन 3x² - 2x + 4, कुछ भी लिख देते हैं। तो इसमें हम देखते हैं ए बी और सी की वैल्यूज़ क्या क्या हैं। ए की वैल्यू क्या है इसमें, एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट होता है ना, ए एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट जो एक्स स्क्वायर के साथ में आ रहा है, तो क्या आ रहा है 3। ऐसे ही बी क्या है, बी जो एक्स के साथ में आ रहा है, एक्स के साथ क्या आ रहा है, माइनस का 2। मतलब साइन के साथ देखते हैं, इसमें मैंने साइन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि इसमें ऑलरेडी प्लस ही था ना। सी की वैल्यू क्या है, मतलब कांस्टेंट, जिसके साथ एक्स नहीं होता वो कांस्टेंट कहलाता है, तो ये हो गया 4। तो ए बी सी की वैल्यूज ऐसे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, ये एग्जांपल सॉल्व करके देख लेते हैं, उससे आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी क्या चीज़ कैसे सॉल्व करनी है। तो इसमें हमको कह रहे हैं फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये रहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7x + 10। इसको सॉल्व करके जीरोज फाइंड करने हैं, मतलब एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी है, और उसके बाद हमको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। मतलब मैंने जो अभी समझाया, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो सब करना है। तो चलो देखते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो कोई दो नंबर ऐसे बताइए जिनको मल्टीप्लाई करके 10 आए और प्लस करके 7 आए। इस साइन के हिसाब से देखते हैं, प्लस करके 7 आए, तो 5 और 2 दो ऐसे नंबर हैं। तो हम लिख लेते हैं इसको 5x + 2x + 10, क्योंकि मुझे पता है 5x और 2x सम करके 7 आएगा और मल्टीप्लाई करके 10 आएगा। तो ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, x² + 5x + 2x + 10। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या बचेगा, x + 5। और इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा x + 5। अगर दोनों में सेम कॉमन आता है तो इसका मतलब हमने ठीक किया अब तक। अब मैंने देखा x + 5 दो बार कॉमन, उधर से भी कॉमन आ रहा है, इधर से भी, दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो x + 5 बाहर आ गया, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 2। अब जीरो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को जीरो के इक्वल पुट करेंगे सेपरेटली। तो पहले इसको करेंगे x + 5 = 0, फिर इसको करेंगे x + 2 = 0। यहाँ से आ जाएगी एक्स की वैल्यू -k 5, और यहाँ से आ जाएगी एक्स की वैल्यू -k 2। मैंने आपको बताया था एक्स की जो वैल्यूज आती हैं उनको अल्फा बीटा लेट कर लेते हैं, तो मुझे पता लग गया, तो अल्फा कितना हो गया,
माइनस फाइव, बीटा कितना हो गया माइनस के टू। इनको नाम दिया और कुछ नहीं, अल्फा बीटा नाम दे दिया। अब हम देखते हैं कि वेरीफाई कैसे करना है इसको, ये जो दिया हुआ है रिलेशनशिप को वेरीफाई करो, तो वो कैसे होता है। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था अभी, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस के बी अपॉन ए, पढ़ा था ना, तो उसी से हम वेरीफाई करके दिखाते हैं। ऐसे ही हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी पढ़ा था, तो हमें दोनों से वेरीफाई करना है। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, जो आपने दो जीरोस निकाली हैं उनका सम, तो करते हैं सम, मतलब अल्फा और बीटा का सम कितना आएगा। अल्फा और बीटा का सम, अल्फा था माइनस फाइव प्लस बीटा था माइनस टू, ये आ जाएगा माइनस के सेवन। अब सम करने पे तो आ गया माइनस के सेवन, अब चेक करते हैं क्या माइनस के बी अपॉन ए करने पे भी सेवन आ रहा है। अगर इधर से भी सेवन आया इधर से भी सेवन आया तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस वेरीफाई हो जाएगा। अब ये बी और ए क्या चीज़ है, अगर आपको याद हो हमने देखा था कि एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट होता है वो क्या होता है ए, जो एक्स का कोफिशेंट होता है वो होता है बी। साइन के साथ देखते हैं, हाँ तो वैसे ही सारे प्लस के हैं तो कोई बात नहीं, साइन की इतनी टेंशन नहीं लेनी। सी क्या है यहाँ पे टेन, ए बी और सी तीनों पता लग गया आपको, ये हम अपनी इक्वेशन में देखते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन से ए बी सी लिख लेते हैं ठीक है। अब यहाँ से हम चेक करते हैं क्या माइनस बी रखेंगे, बी की वैल्यू क्या है सेवन, ए की वैल्यू क्या है, ए क्या है वन ठीक है। तो हमने चेक किया माइनस के सेवन अपॉन वन कितना होता है माइनस के सेवन। अब देखिए माइनस के बी अपॉन ए करने पे भी यही आया, सम ऑफ जीरोस करने पे भी यही आया, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला प्रूव्ड हो गया क्योंकि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ गया ठीक है। ऐसे ही जो दूसरा फॉर्मूला है वो क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था सी अपॉन ए था वो ठीक है। तो यहाँ पे चेक करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ रहा है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो अल्फा पहला जीरो था ऐसे ही बीटा दूसरा जीरो था, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे करके देखते हैं कितना आता है। अल्फा था माइनस के फाइव, देखिए अल्फा था माइनस के फाइव बीटा था माइनस के टू, दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, फाइव टू ज़ा टेन माइनस माइनस प्लस, प्लस का टेन आ गया। अब चेक करते हैं क्या सी अपॉन ए करने पे भी यही आता है, अगर सी अपॉन ए करने पे भी टेन आया तो इसका मतलब ये भी प्रूव्ड हो गया और ये भी प्रूव्ड हो गया था, दोनों प्रूव हो गए, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही करा। ये चेक करने का तरीका है वेरीफाई करने का। तो हम ऐसा करते हैं यहाँ पे सी की वैल्यू पुट करते हैं, सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है टेन और ए की वैल्यू क्या थी वन, तो टेन अपॉन वन टेन, तो दोनों तरफ से आ गया टेन। हैंस हम लिख सकते हैं एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हैंस वेरीफाइड, वेरीफाई करना था ना हमको, हो गया वेरीफाई ठीक है। अब आपको कुछ समझ में आया होगा, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं ऐसे ही। तो अब देख लेते हैं एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर थ्री पेज नंबर 30। फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, इस बार क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस थ्री दिया हुआ है, फिर उसके बाद पहले जीरोज फाइंड करना है उसके बाद हमको वेरीफाई करना है, सिमिलर प्रोसेस है जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में करा सेम टू सेम है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, अब मैंने देखा क्या इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लग सकती है, नहीं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे लग सकती है इसमें, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए प्रोडक्ट करने पे क्या आना चाहिए, वैसी कंडीशन है ही नहीं। तो इसमें सिंपली मुझे दिख रहा है इसमें हम फैक्टराइज कर सकते हैं, जैसे कि हमने क्लास 8 के फैक्टराइज चैप्टर में पढ़ा था, 9th में भी था, कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर 9 लिखा होता तो मैं इसको लिख सकता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 9 को मैं ऐसे लिख सकता था 3 का स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर लिख लेते हैं इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, याद आ गया होगा तुम्हें ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ये तो ऐसे था, एक एग्जांपल से और समझा देता हूँ, अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 25 होता तो हम क्या लिखते एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर ठीक है ना,
फिर हम लिखते एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस फाइव, ऐसे लिखते। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर दिया हुआ है जिसका स्क्वायर रूट तो बनता ही नहीं, मतलब यहाँ पे अगर 9 या 25 दिया होता तो हम सिंपली एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री कर लेते, लेकिन यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, रूट थ्री का स्क्वायर 3 तो होता है, तो हम सिंपली रूट थ्री का स्क्वायर करके लिख सकते हैं इसको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की से देखूँ मैं, अगर मैं इस फॉर्मूले से देखूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला लग रहा है इसमें, तो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब मुझे एक्स की दो वैल्यूज निकालनी थी तो मैं क्या करूँगा, इसको 0 के इक्वल पुट करूँगा और पहले यहाँ से निकाल लेंगे वैल्यू, फिर यहाँ से निकाल लेंगे वैल्यू। तो यहाँ से कितना आएगा, एक्स इज इक्वल टू, ये इधर चले जाएगा माइनस का रूट थ्री, और यहाँ से क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस का रूट थ्री। ये दो मेरी वैल्यूज आ गई, इनको हम मान लेते हैं एक को अल्फा एक को बीटा, ठीक है। तो अल्फा बीटा मैंने मान लिया। अब हमने देखा था कि सम ऑफ जीरोस करने पर माइनस के बी अपॉन ए आना चाहिए, तो हमने सम ऑफ जीरोस करा, अल्फा प्लस बीटा किया और चेक किया क्या माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा करूँगा, अल्फा कितना है माइनस के रूट तीन, प्लस बीटा कितना है प्लस के रूट थ्री, तो इसको सॉल्व करके क्या आना चाहिए, माइनस के बी अपॉन ए के इक्वल आना चाहिए। तो हम देखते हैं ये प्लस का रूट थ्री या माइनस का रूट थ्री, 0 आ गया तो कट के। अब इधर देखते हैं क्या इधर भी ऐसा ही है। अब देखो बी की वैल्यू क्या है हमारे क्वेश्चन में, जो हमें क्वेश्चन मिला था एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, इसमें ए की वैल्यू कितनी है, इसमें ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1, एक्स के साथ क्या है, जब एक्स ही नहीं है तो बी 0, मैंने बताया था आपको, जब इसमें एक्स ही नहीं है तो एक्स के साथ का कोफिशियंट तो 0 हो जाएगा ना। सी कितना है माइनस के 3, ठीक है, ए बी सी की वैल्यू मैंने बता दी आपको। यहाँ पे पुट करके देखते हैं, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या रखेंगे, माइनस पहले रखेंगे माइनस का साइन, फिर रखेंगे बी की वैल्यू, बी की वैल्यू रख दी अपॉन ए, तो 0 अपॉन माइनस 0 0 ही होता है, 0 अपॉन ए 0, सो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। यहाँ से हो गया ये वाला प्रूफ, ये पहले वाला फॉर्मूला प्रूफ कर दिया हमने। अब देखते हैं जो दूसरे वाला फॉर्मूला था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला, उसको भी प्रूफ करना है, दोनों प्रूफ करके दिखाने होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो कि आएगा सी अपॉन ए के इक्वल, ये फॉर्मूला है। तो हम चेक करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई करके, अल्फा कितना था माइनस के रूट थ्री, बीटा कितना था प्लस के रूट थ्री, तो माइनस के रूट थ्री और प्लस के रूट थ्री कितना होता है, रूट थ्री इंटू रूट थ्री 3 हो जाता है। साइन किसका आएगा माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, यहाँ से आया माइनस के 3। अब चेक करते हैं क्या सी अपॉन ए वैल्यू रख के भी माइनस के 3 आ रहा है, तो सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है माइनस के 3, ए की वैल्यू कितनी है 1, माइनस के 3 अपॉन कितना होता है माइनस के 3, यहाँ से भी क्या हो गया एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस वेरीफाइड। बस आपको ये दो फॉर्मूले प्रूफ करके दिखाने हैं, ठीक है, इज इट क्लियर, ओके।